निर्भया मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी है मुकेश, अक्षय, पवन और विनय के लिए। दरअसल इन्हीं की तरफ से अपील दी गई थी और उसमें तमाम दलीलें दी गई थी कि ये कारण है और इस वजह से फांसी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं, परिवार की फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो गरीब है। तो ऐसे में किसी दलील को हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है और जो साकेत कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था उसी को, सजा को बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा है और चारों दोषियों पर फांसी की सजा, सजाए मौत निर्भया के चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दी है। तो इसी की एक तरह से मांग थी, जो जनभावना थी और एक बड़ी मांग निकल कर आ रही थी कि अगर सख्त फैसला नहीं होगा तो सख्त संदेश नहीं जा पाएगा। तमाम कानूनों की बात करें, बदलावों की बात करें, समस्या इम्प्लीमेंटेशन में आती है और अगर वैसा ही रहेगा तब फिर परेशानी हो जाएगी। कानून कड़े बना देने से केवल कुछ नहीं होगा, जब सजाएं कड़ी होगी उसका एक अलग असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी सजा है, सजाए मौत, उसको बरकरार रखा है। हालांकि अपील थी कि थोड़ा सजा कम कर दी जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए, जीवन भर भी अगर जेल में रख लिया जाए, लेकिन किसी भी दलील को नहीं माना गया यहाँ हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ये कि चारों दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रहेगी। दरअसल इसमें जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और अशोक भूषण की बेंच को फैसला सुनाना था। आभा सिंह कुछ कह रही हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। निर्भया के रेपिस को नहीं दी जाती तो ये हो जाता कि महिलाओं को कोई सेफ्टी देने वाला नहीं है, प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है और वकील जो है वो किसी चीज को तोड़ मरोड़ के सामने रख देंगे और बड़े से बड़ा खूंखार रेपिस बच जाएगा। आज न्याय की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे के ये साफ कर दिया कि वो देश की महिलाओं के साथ है, देश की बच्चियों के साथ है और जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीड़ा उठाया है कि अपनी बच्चियों को प्रोटेक्शन और सेफ्टी देगा और ये एक मिसाल बन के जजमेंट जाएगा, क्योंकि गांव-गांव में, घर-घर में लोग देख रहे थे कि निर्भया के बलात्कारियों को फांसी मिलेगी कि नहीं। मैं चाहूंगी कि ये फांसी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट की जाए ताकि जो बाकी क्रिमिनल्स इस देश में बैठे हैं उनको भी एक खौफ हो सके कानून का। मैम, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने ऑर्डर को पढ़ते समय ये भी कहा, उनके ऑर्डर में है ये कि इस घटना को देख के लगता है जैसे इस दुनिया की घटना ही नहीं हो, इसकी व्यवस्था की तरफ इशारा था उनका। बिल्कुल, जस्टिस दीपक मिश्रा सही कह रहे हैं कि ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये विश्वास नहीं हो सकता कि इस तरह की घटना कोई इंसान कर सकता है, ये तो कोई हैवान की घटना लगती है। और सही बोला है जस्टिस दीपक मिश्रा ने कि जिस तरह उसका स्टेटमेंट था, डाइंग डिक्लेरेशन था, सीसीटीवी फुटेज थे, सारे एविडेंसेस साफ कहते थे कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उस बच्ची को, निर्भया को इस तरह से रेप करके उसकी अतलियों में लोहा घोप के जिस तरह से उसकी हत्या की गई उसमें कोई भी सिंपथी नहीं दिखाई जा सकती, उनकी गरीबी का उनको फायदा नहीं दिया जा सकता, जो खून किया, जो रेप हुआ वो उससे बड़ा घिनौना जुर्म आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और आज जो है डेथ पेनल्टी अपहोल्ड करके सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि भारत महिलाओं की सेफ्टी के प्रति कटिबद्ध है और महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उन रेपिस्ट और बलात्कारियों के लिए मैसेज है कि आप जो है आप अब तैयार हो जाइए, आप बड़े से बड़ा वकील लाएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई पे की जीत होगी। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी साहब जुड़ गए हैं। केटीएस तुलसी साहब, बड़े फैसले से कड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी, मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। अब ऐसा जुर्म था, इतना घिनौना जुर्म था कि इसकी कोई और सजा हो नहीं सकती, एक ही सजा इसके एडिक्वेट है, वो है मौत की सजा। क्योंकि जब तक मौत की सजा नहीं दी जाएगी ऐसे केस में भी, तब तक ऐसे केसेस बार बार होते रहेंगे। जी, अब हम मानकर चलें कि ये फाइनल एक जजमेंट हो चुका है, इसके आगे उनके पास कोई रास्ता नहीं है या इसके बाद भी कुछ बचता है उनके पास, जो दोषी हैं चारों जिनको आज सजाए मौत मिली है? जब तक एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं होती तब तक पिटीशन फाइल होती रहेंगी, एक नहीं होंगी, दस दस होंगी। वो हर स्टेज पे कोई ना कोई बचने का रास्ता ढूंढते रहेंगे, मगर इनको मौत की सजा इम्प्लीमेंट भी होगी। जी,
जब इतना बड़ा और इतना कड़ा फैसला लिया जाता है तो उसका एक इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आप देखते होंगे केटीएस तुलसी साहब की पड़ेगा, एक डर भय खौफ का वातावरण होगा उन दरिंदों के लिए जो इस तरह का विचार तक मन में लेकर आते हैं। बिल्कुल, सारी क्रिमिनल जस्टिस ही इसी बात पे टिकी हुई है कि जो जो जुर्म है उसकी सजा होनी चाहिए, और अगर सजा होगी तभी जुर्म कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो जुर्म बढ़ जाएगा। ऑलरेडी भारत में इतना जुर्म बढ़ गया है क्योंकि सजा मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, तो इस जजमेंट से कम कुछ भय तो बना रहेगा। कानून का डर होना चाहिए जी, और कानून का डर रहना चाहिए, और हम उम्मीद करें कि इस फैसले के साथ वो डर आएगा और वो डर आगे कैरी फॉरवर्ड भी होगा बाकी मामलों में भी। क्या ये नजीर बनेगा फैसला केटीएस तुलसी साहब? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। इतना घिनौना जुर्म 19 साल की लड़की, मेडिकल स्टूडेंट, और उसके साथ उसका जो कंपेनियन है उसको किस तरह से पीटा, और किस तरह से एक के बाद एक आदमी ने रेप किया और फिर उसको फेंक दिया वहां पे, तो ये सारा कुछ जिस तरह से ये सारा जुर्म हुआ है इससे सारा समाज हिल गया था। तो समाज को विश्वसनीय करने की आवश्यकता थी जी। और मैं इस बात से धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये जजमेंट दिया। लेकिन एक बात ये भी उठाई जा रही है केटीएस तुलसी साहब की, देखिए 16 दिसंबर 2012 को ये मामला आया सामने और सजा होते होते आज 5 मई 2017 है, लगभग 5 साल का जो वक्त है, इतना लंबा इंतजार क्यों इस तरह के जघन्यतम मामलों में भी? जघन्यतम मामलों में भी 15-20 साल लगते हैं। ये एक बहुत मेडिकल है कि भारत के इतिहास में इतने बड़े फैसले का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी 5 साल के अंदर आ गई, क्योंकि जुडिशरी इतनी ज्यादा ओवरवर्क्ड है कि मुकदमों का फैसला होता ही नहीं जी। 10-10 साल आम लग जाते हैं जी। तो ऐसे में अगर 5 साल में निर्णय हुआ है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया केटीएस तुलसी साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इस पूरे फैसले के आने के बाद हमसे बातचीत की, और बेहद कड़ा ये फैसला और बड़ा ये फैसला और कड़े संदेश के साथ ये फैसला है कि अगर कोई अपराधी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जान तक ले ली जाएगी अगर इस तरह का जघन्य अपराध वो करेगा, तो यही संदेश जाएगा। शमीना शफी एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। शमीना जी, संदेश यही है कि अगर कुछ करेंगे गलत तो बच नहीं पाएंगे। संदेश तो है मगर संदेश बहुत देर से आया है, 5 साल एक बहुत लंबा इंतजार है। निर्भया का मामला ऐसा मामला जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को हिलाया था बल्कि पूरी दुनिया को हिलाया था। अगर ऐसे मामले में जहां पर जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई हो उसमें 5 साल बाद निर्णय आता है तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप 5 साल में देखिए कितनी और बेटियां बलि चढ़ गई, क्योंकि हम क्रिमिनल्स को मैसेज ही नहीं दे पाए कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको हम सजा देंगे। तो ये कह देने भर से कि जुडिशरी जो है वो ओवरवर्क्ड है, ओवरबर्डन है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम टैक्स पेयर्स हैं, हम इस देश में रहते हैं, हमारी हिफाजत करना जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है जी, और वो इस जिम्मेदारी को किस तरह से पूरी करें ये उनको देखने की जरूरत है जी। बहुत शुक्रिया शमीना शफीक जी, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने बातचीत की हमसे, तो ये सही बात है कि अगर देरी से फैसले होते हैं तो उसको लेकर एक संशय और सवाल जरूर होता है, लेकिन यहां पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, चारों दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। पवन मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पवन, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, आपको बता दें मीनाक्षी की फैसला जो है फांसी ही उसे दिया गया है, और लोगों में काफ़ी खुशी है, जो कुछ यूथ भी कोर्ट के भीतर मौजूद हैं उन्हें भी काफ़ी खुशी है कि उन्हें इस फैसले का इंतजार था कि किसी भी तरह से इन दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो तमाम दलीलें इनकी तरफ से दी जा रही थी, बचाव का गरीबी की दलील दी जा रही थी कि इनके परिवार में कोई नहीं, सिर्फ यही देखने वाला है, सारे दलील को यहाँ पर खारिज किया गया है, जो फैसला है उसी फैसले को बरकरार रखा गया है। मीनाक्षी, एग्जैक्ट जो टिप्पणी है वो अभी आप पाई है या थोड़ा और इंतजार करें पवन उसके लिए?
थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको मीनाक्षी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, आज जो फैसला है फांसी के फैसले को जो है बरकरार रखा गया है, उसमें क्या कहेंगे? ये निर्भया एक सिर्फ एक लड़की की क्राइम का मतलब एक केस का डिसीजन नहीं है, ये एक पूरे आंदोलन की ये दूसरी जीत है। पहली जीत जुवेनाइल जस्टिस बिल के रूप में आई और ये दूसरी जीत है जहां एक इतना बड़ा उदाहरण इस पूरे देश के सामने पेश किया गया है। जो लोग रेप करने के बाद कहते थे कि नौजवान है, भूल हो गई, तो इस भूल को जो मतलब इस भूल एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि इस भूल को भी करने में लोगों की रूह कांप जाए, तो एक ऐसा उदाहरण है ताकि लोग रेप करना, सोचना, इन सब के बारे में सोचने तक में उनकी रूह कांपे, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हम सब बहुत खुश हैं इसको लेकर। आज आप यूथ हैं, आप दिल्ली में रहती हैं, इस फैसले से क्या खुद को आपको लगता है कि आप अब सुरक्षित हैं? तमाम तरह के महिला कानून बने हुए हैं, महिलाओं के बारे में तमाम तरह की बातें, लेकिन रोजाना ऐसी छेड़खानी की खबरें, वारदात की बातें आप भी देखती और सुनती होंगी। देखिए, ये एक उदाहरण है, एक ये प्रेसिडेंस है। अभी अगर हम बात करते हैं तो मेंटालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटालिटी बदलेगी, लेकिन मेंटालिटी बदलने के उसमें एक ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा निर्भया केस का, निर्भया आंदोलन का। मानसिकता बदलने की बात कही जा रही है मीनाक्षी, और तमाम ऐसी छात्राएं यहां पर मौजूद हैं जो काफी खुश हैं। उनका ये कहना है कि ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है और आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध करने की सोच भी रखता है तो जरूर कांपेगा। मीनाक्षी जी बिल्कुल, और दोषियों को किस तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और जो फैसला है वो ये निकल कर आया है कि चारों दोषियों को फांसी की सजा। जो दूसरा पक्ष है निश्चित है वो इस फैसले को लेकर निराश भी होगा, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से अपील की जा रही थी। केटीएस तुलसी जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि इसके बाद भी यह हो सकता है कि बार बार पिटीशन करें, एक नहीं 10-10 पिटीशन करें, लेकिन अब यह तय है कि इनको फांसी होगी और यह सजा अमल में लाई जाएगी। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आया। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही, और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एक जन भावना से जुड़ा भी यह मामला था, जिस तरह से निर्भया के साथ रेप का यह मामला आया सामने, उसके बाद एक बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उतरा जिसमें महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब शामिल थे, कैंडल मार्च निकाले गए और एक ये अपील की गई कि ये बहुत बड़ा, बहुत जघन्य अपराध है और इस तरह के अपराध में एक तो सजा निश्चित होनी चाहिए, सजा जल्दी होनी चाहिए, और इसके बाद कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस फैसले के बाद एक डर भय की स्थिति, एक डर भय का वातावरण उन लोगों में जो कि इस तरह के विचारों को लाते हैं या इस तरह के जघन्य अपराधों को करने के बारे में यहां तक कि सोचते भी हैं। पवन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने कहा कि खुशी है इस फैसले को लेकर, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी हाँ, आपको बता दें कि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उसके खिलाफ जो है अन्याय हुआ है, क्योंकि कोर्ट उनकी बात सुनी नहीं रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया जो है बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है और उनके पक्ष में दिखाया है, तो मीडिया पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया के कारण ही उनके बच्चों को जो है इस तरह की सजा दी गई, फांसी की सजा जो दी गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो सबूत, मैंने ये बात कही कि तमाम जैसे सबूत जो पेश किया गया, क्या उन सबूत को भी आप झूठा करार देंगे? उनका भी कहना था कि सारे सबूत भी झूठा ही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और एक तरफा फैसला दिया जा रहा है। जी पवन, आप बने रहे हमारे साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तो जैसे ही फैसला दिया गया उसके बाद तालियां बजी हैं वहां पर और मानकर चला गया कि बेहतरीन फैसला ये है। अलावा उसके अंजना कुमार हैं सोशल एक्टिविस्ट, कुछ कह रही हैं, पहले उनको सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। Today won the battle for justice for women. I think I really am with the parents of Nirbhaya because they have gone through 5 years of excruciating, you know, the feeling, the emotion. Every day they were dying sitting in the court, listening to the kind of argument that was coming. I feel that women's movement today has really, really conveyed the message to nation. If you will be wrong, a woman, if you wrong a woman, you shall lose your life, you shall really be punished severely. I'm extremely, extremely happy and proud, and I believe that justice can be delivered in this country. Thank you. Aaj Supreme Court ke 3 judge ki bench ne aitihasik faisla kiya hai. Hum sab log aaj is baat se nishchint hain
कि देश की महिलाओं को न्याय मिलेगा, आज न्याय मिला है, निर्भया को न्याय मिला है, ज्योति पांडे को न्याय मिला है, उनकी आशा देवी बद्री बाबू को न्याय मिला है, उनके साथ ही देश की तमाम महिलाओं को न्याय मिला है जो इस संघर्ष में उन तमाम लोग जो कि इंडिया गेट पर उस दिन थे और आज तक इंतजार कर रहे थे, 5 साल के लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने कहा कि चारों के चारों अपराधी जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया उनको देश की जो सबसे सबसे कड़ी सजा है फांसी की सजा वो दी जाएगी। आज हम लोगों को लगता है कि हमारा संघर्ष, हमारा निर्भया के लिए न्याय की पुकार सुनी गई है और ये बात स्पष्ट रूप से देश के तमाम उन लोगों को के पास पहुंचा दी जाएगी कि अगर आपने एक महिला के साथ गलत काम किया, जाति की, उसके साथ रेप किया, उसके साथ हिंसा की, तो आप बचेंगे नहीं, आपको भी वही सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे लगता है ये देश की इस तरह की जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनको निश्चित तौर पर नियंत्रण में करने के लिए बहुत बड़ा, एक बड़ी बीमारी के लिए एक बड़ी दवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने देश को दी है। तो आप सुन रहे थे रंजना जी को, जिनको जिनका ये कहना है कि 5 साल चाहे लगे हैं लेकिन एक कड़ा फैसला आया है और इससे उन लोगों में भय होगा जो इस तरह के कामों में या तो लिप्त रहते हैं या इस तरह के ख्वाब देखते हैं कि अगर वो कुछ कर लेंगे तो फिर उनका कुछ होगा नहीं, बिल्कुल होगा। और बड़ा और कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि निर्भया कांड सदमे की सुनामी थी, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक तरीके से इस बयान के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको हम समझ सकते हैं। इस बर्बरता के लिए, क्योंकि ये बेहद क्रूरतम अपराध था, इस बर्बरता के लिए कोई माफी नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और चूंकि निर्भया का एक ऑडियो वीडियो भी था उस दौरान का और उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम जो निर्भया ने कहा हम उस पर पूर्णतः यकीन करते हैं, उसको लेते हुए इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इट शोज द परवर्सिटी ऑफ द माइंड, डेप्रेविटी ऑफ द माइंड, और जिस एग्रेवेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में आता है, तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की उसको अपहोल्ड किया और इनकी अपीलों को डिसमिस कर दिया है। और सुन रहे थे आप, दरअसल अब तमाम प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं लेकिन सबसे ज्यादा जिस प्रतिक्रिया का इंतजार है वो है निर्भया के माता पिता। सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला है तो वो निर्भया का परिवार ही है। उस परिवार के साथ तमाम लोग मौजूद रहे, एक तरह से पूरा देश एक रहा और पूरे देश की ये मांग थी कि कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, जो पहले 2 कोर्ट की तरफ से, लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट की तरफ से आया है उसी को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि तमाम अपील दलील होती हैं तो ऐसे में क्या फैसला हो इसका इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा है, तो माता पिता क्या कहेंगे इसका अब इंतजार है। क्योंकि आज सुबह से जो उनके बयान हमने भी दिखाया अपने दर्शकों को, उनको उनका कहना यही था कि 5 साल से हम इंतजार ही कर रहे हैं। इस बीच एक जो जुवेनाइल था जो 3 साल की सजा काट कर निकल गया उसको लेकर भी उनको दुख है, हालांकि उसके बाद परिवर्तन हुआ है। अब जुवेनाइल की जो जुवेनाइल है उसकी मानसिक स्थिति क्या है इसको लेकर मामला आगे चलेगा। महज आप 15 साल, 16 साल या 17 साल के हैं तो इस वजह से जघन्य अपराध करके बच नहीं पाएंगे, यह स्पष्ट अब हो चुका है। लेकिन फिर भी एक नाराजगी है माता पिता में कि उसे छोड़ दिया गया जिस तरह से 3 साल की सजा के बाद, लेकिन आज शायद थोड़ा शांति होगी उनके मन में कि चलिए और कुछ ना सही तो अब ये 4 भी कड़ी से कड़ी फांसी की सजा पाएंगे। ये जो जीत है ये सिर्फ एक निर्भया और उसके परिवार की जीत नहीं है, ये पूरे देश की सारी निर्भयाओं की जीत है, क्योंकि सब सुप्रीम कोर्ट की ओर इस वक्त देख रहे थे। दिल्ली महिला आयोग इस निर्णय का पूरी तरीके से स्वागत करता है, देर से ही सही, पर अब जो वो दोषी हैं निर्भया के, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसके साथ रेप करा और इतनी बर्बरता से जो सब कुछ हुआ, उनको मौत की सजा सुनाई गई है। मुझे लगता है कि इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी निर्भयाओं को शक्ति प्रदान करी है और सारे रेपिस्ट्स को एक तमाचा मारा है और बोला है कि अगली बार अगर कभी कुछ किसी लड़की के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो ये सिस्टम उसको बख्शेगा नहीं। बहुत स्वागत करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। तो चौतरफा स्वागत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। सामाजिक कार्यकर्ता आभास सिंह ने
पहले हम एपी सिंह हैं, उनकी बाइट आपको सुनवाते हैं कि दरअसल ये बचाव पक्ष के वकील हैं। बोला मैं इससे असंतुष्ट हूं और जैसे जजमेंट मिल जाएगा उसको स्टडी करके हम उस पर जो रिव्यू है हम रिव्यू फाइल करेंगे। अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता के लिए रिव्यू फाइल करेंगे। सर, उन्होंने बोला कि समाज में मैसेज पहुंचना जरूरी था। समाज में मैसेज के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते। पनिशमेंट का अर्थ है, पनिशमेंट का मतलब है सुधार, उसे सुधारा जाए। महात्मा गांधी के सिद्धांत की तो धज्जियां उड़ गई। महात्मा गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा है। ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ गई। जीने का अधिकार है, जो जीवन देता है वही जीवन ले सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए केपी सिंह जी मौजूद है। फैसला उनको मिल जाए पूर्णतया, वो फैसले की कॉपी देख लें क्या कुछ उसमें है, उसके बाद वो रिव्यू करेंगे। और इसका जिक्र केटीएस तुलसी जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी किया था कि इसमें अपीलें होंगी, लेकिन उन अपीलों का कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि बापू के देश में किसी को फांसी दी जा रही है ये जायज नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने निर्भया मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज गौरव हो रहा है, आज सच्चाई की जीत हुई है। के जजमेंट पे गौरव हो रहा है कि जजेस ने जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए हिंदुस्तान में इस डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया है। पहले तो डर लगा कि शायद ये स्प्लिट जजमेंट में कहीं कुछ और ना आ जाए, लेकिन सही है, आज सच्चाई की जीत हुई है। अभा सिंह को सुन रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं मेनका गांधी क्या कह रही है। लॉ मिनिस्ट्री और जजों को सोचना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। What's your reaction, ma'am, on today's verdict, Supreme Court decision on Nirbhaya case? No, I'm happy that the verdict has been upheld, and I wish it had come sooner. But now that it's come, I'm happy. But justice delays, 5 years, long time, face family, victim family, face 5 years. What's your comment? The thing is that, in this 5 years, is not a long time by legal standards in India. Some cases, I know one murder case which has just been decided after 34 years. What's the ministry taken a step to improve such thing that women can get justice in a legal? What I have done is, in which women can get better justice, is to start one-stop centers called Sakhi. Now these are 150 centers now, and we are trying to get up to 600. And when women get anything from molestation, stalking, rape, domestic violence, kuch bhi, any problem with them, they can go to these one-stop centers and they will be provided free legal service, free police service, psychiatrists, doctors, nurses, and hundreds of women now are going to them. So this is one big step that we have taken. Thank you, ma'am. तो महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका सिंह को आप सुन रहे थे। मेनका गांधी का ये कहना कि जो जस्टिस मिला है, अब हम कह सकते हैं कि निर्भया को जस्टिस मिला है और इससे एक सख्त संदेश जाएगा। तो सब स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन बचाव पक्ष की अपनी दलीलें हैं। एपी सिंह को सुनवाते हैं जो कि उनकी तरफ से एक अलग ही तरह की दलील निकल कर आई है। The final verdict of the court has been to uphold the death sentence which had been given by the two courts below, and the court has relied and considered the concept of collective conscience and felt that this is the nature of crime which deserves nothing other than the death sentence. And that is why they have affirmed the judgments of the court below. We have with us Chhaya Sharma, who was a DCP of South at that particular time period. Ma'am, finally, the family members are very much happy to see the judge, the high court order being upheld. Ma'am, can you please? Ma'am, it was a very good investigation by Delhi Police. What do you have to say about it? It was a team effort. It was very professional.
तो आप सुन रहे थे कोर्ट के बाहर से प्रतिक्रिया, और जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये कि इस तरह के अपराध के लिए फांसी से कम कुछ भी नहीं, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में ये केस न सिर्फ इस लिहाज से कि एक जन आंदोलन बन गया था, बल्कि इस लिहाज से भी कि जो साक्ष्य सबूत थे वो इतने स्ट्रांग थे और वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि महिलाओं को लेकर स्थिति क्या है। और जिस तरह से अपराध किया गया, छह लोगों ने निर्भया के साथ चलती बस में बलात्कार किया, फिर उसे फेंक कर वो चले गए, उसके बाद लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम इस मामले में आता चला गया, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चारों दोषियों को फांसी की सजा दी है। कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं इस फैसले के बाद, आइए सुनवाते हैं अपने दर्शकों। और भी कड़ी से कड़ी निंदा, और तो कड़ी से कड़ी निंदा, दरअसल जो अपराध है निश्चित तौर पर उसी के लिए, और बड़ा स्वागत इस फैसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज चारों दोषियों को लेकर सजा का ऐलान हुआ है, सजाए मौत चारों दोषियों को, जिसमें मुकेश, अक्षय, पवन और विनय शामिल हैं। डेथ पेनल्टी इन चारों दोषियों को सुनाई गई है। तो बड़ा फैसला निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज देश भर की निगाहें थी और देश इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट निर्भया के दोषियों को क्या सजा देता है। सबसे ज्यादा जो थोड़ा संतोष हुआ होगा, क्योंकि राहत और संतोष महज कहा जा सकता है, माता पिता के लिए बहुत कठिन वक्त उस दौरान भी था जब उन्हें ये सूचना मिली कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। मुश्किल वक्त उस दौरान भी था जब इलाज तो हो रहा था लेकिन उम्मीद रोजाना रोजाना दम तोड़ रही थी। सिंगापुर भी भेजा गया निर्भया को, लेकिन जान बचाई जा नहीं सकी निर्भया की, सिंगापुर में निर्भया की मौत हो गई। उसके बाद से ही और जिस दौरान ये मामला आया, लगातार हमने देखा इंडिया गेट से लेकर देश और अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन इस पूरे अपराध के खिलाफ हुए थे। Are going to be dealt with very, very seriously by the court. It is a precedent that has been set, and it has not come about simply that the judiciary has looked at it, but the public, students, and several civil society organizations have the political parties and everybody to look at this case in a nature where justice is given to this girl. And I'm happy that the judiciary has looked at it. Even though it is late, it is not justice that is denied. The girl has got justice. And I'm happy that perpetrators will now be afraid that they simply cannot take victims and go away on bail or get lost within the systems. So this is a precedent, and I'm very, very happy. I'm glad about this. So ma'am, moreover, the last इस केस को देखा जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितने सबूत थे, किस तरह से मैम ये पूरा केस आपने चार्जशीट करा और किन किन परिस्थितियों में आपने पूरा केस, और क्या आपको लगता है मैम ये बड़ा केस है ये काफी? आपने कोर्ट का वर्डिक्ट सुन ही लिया है, तो क्या कहने को कुछ रह नहीं गया है। तीन जुडिशियल स्क्रूटनीज हो चुकी हैं, पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट डबल बेंच, एंड नाउ दिस। सो किस तरह के एविडेंस आपने कोर्ट में रखे थे? वेरी साइंटिफिक एविडेंस, एंड वी वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इवन द माइन्यूटेस्ट एविडेंस विच वी कुड कोरिलेट विद द क्राइम, क्रिमिनल सीन ऑफ क्राइम एंड एवरीबडी एल्स। सो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड हमारा केस साइंटिफिक एविडेंस पे बहुत बेस्ड है, सो आई थिंक दैट has helped। मैं 20 से कम दिनों में चार्जशीट हुई थी, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। 18 दिन जी। मैम और क्या क्या चीजें इसमें आपने कलेक्ट करी थी, जब एक्यूज ने क्राइम किया उसके बाद सारे फंड हुए, उनको आप लोगों ने अलग अलग जगहों से अप्रीहेंड करा? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बता दीजिए, रजिंदर बताएंगे। बताइए सर, आप बताइए सर, आप टीम में थे सर। सर 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 किस तरह के एफर्ट्स चले आपके, रजिंदर बताएं, कम ऑन, किस तरह से आपके प्लीज सर बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मैम अनिल शर्मा सर, मैम सर से बात नहीं, अनिल शर्मा सर, मैम अनिल शर्मा सर, सर, तो तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं, और डीसीपी दरअसल छाया जी रही और उनसे पूछताछ एक तरह से की जा रही थी कि कैसे कैसे मामला बढ़ा, 18 दिन में चार्जशीट दाखिल करना, तमाम चुनौतियां थी, लेकिन बावजूद उसके 5 साल के भीतर इस मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ चुका है, चारों दोषियों को अब फांसी की सजा मिलने जा रही है, और देश भर में स्वागत हो रहा है इस फैसले का, और हम भी लगातार जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश एक तरह से इस फैसले का इंतजार
कर रहा था कि क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट निर्भया के दोषियों को लेकर आज सुनाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि अपराध की कोई जगह नहीं है और वो भी इस तरह के अपराधी के लिए कोई स्थान नहीं है। कड़ा फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सजाए मौत, फांसी की सजा अब इन चारों दोषियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना दी है। जिस तरह से अपराध हुआ था, बूढ़े माँ बाप का हवाला दिया गया, जो दोषी हैं उनकी तरफ से कहा यह गया कि उनको देखना होगा, उसको लेकर रियायत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चाहे जो भी कंडीशंस हों लेकिन इस तरह के दोषियों को किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती। वारदात जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में इसको रखा गया। और मरने से पहले दरअसल निर्भया का बयान आया था और निर्भया का जब जब बयान लिया, और हालांकि वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन लगातार निर्भया बोलती रही और निर्भया की भी ये मांग थी और निर्भया का जो बयान था वो हमेशा उस पर कायम भी रही। तो निर्भया के बयान को लेकर भी ये कहा गया कि अपराध को लेकर कोई कहीं संदेह नहीं है, तो ऐसे में ये गुनाह ऐसा है कि इसकी माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि निर्भया के मामले के बाद ही निर्भया फंड भी बना, सुरक्षा ज्यादा महिलाओं की होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए, बसों में रात में लाइट होनी चाहिए, जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती होनी चाहिए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस मामले के आने के बाद सवालों के घेरे में लगातार आती रही। कहा जाता रहा कि ये सब होना चाहिए, बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन बहुत 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 कुछ होना अभी भी बाकी है क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा मसला है। लेकिन अगर इस तरह से अपराधी को सख्त सजा मिलती है तो इसका एक सख्त संदेश जाता है और इसी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधार माना गया। हालांकि बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि किसी एक को पैसिफाई करने के लिए आप किसी की जान नहीं ले सकते। वकील डीएल कपूर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और फांसी की सजा को बरकरार रखा। नई डिग्रेशन उनको लेते हुए, फिजिकल इंजरीज जो उस पर हुई उसको लेते हुए इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इट शोज द परवर्सिटी ऑफ द माइंड, डेप्रेविटी ऑफ द माइंड, और जिस एग्रेवेटिंग और ब्रुटैलिटी से ये क्राइम हुआ है इसका ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है जिसमें क्लियर लिखा है कि कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अगर शॉक करती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट में आता है, तो उसमें लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी डेथ पेनल्टी की उसको अपहोल्ड किया और इनकी अपीलों को डिसमिस कर दिया है। तो जो डेथ पेनल्टी हाई कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी या लोअर कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया के दोषियों को सुप्रीम सजा, हम कहें क्योंकि इससे बड़ी कोई सजा नहीं है, कि सजाए मौत मिले, और सजाए मौत ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन चारों दोषियों को सुनाई गई है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर जब मामले होते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, तभी सजाए मौत सुनाता है, क्योंकि जघन्य अपराध, अपराध जितना बड़ा उसकी जघन्यता जितनी बड़ी उसी तरह का फैसला। और इस मामले में तमाम जो साक्ष्य सबूत जुटाए गए पुलिस की तरफ से उन सभी को आधार बनाते हुए, साथ में निर्भया का जो बयान था, एक जनमानस की जो उम्मीद थी, हालांकि जन भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसले नहीं सुनाता है, लेकिन जन भावना का आदर इसलिए किया गया इस मामले में क्योंकि निर्भया के साथ एक तो जघन्यतम अपराध हुआ और उसके बाद एक आवाज उठी और महिला सुरक्षा को लेकर एक कड़ा संदेश देने की भी कोशिश हम कह सकते हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निश्चित तौर पर है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जब कड़े फैसले हैं तो अब एक संदेश भी कड़ा होगा और निश्चित तौर पर अपराधी इस तरह का कुछ भी करने से 100 बार पहले सोचेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसका अंजाम सजाए मौत तक हो सकता है। एक तरह से यह संदेश इस फैसले के जरिए दिया गया है।